हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे गले की कटिंग, गला किस तरीके से कटिंग होता है। मैं आपको आज कई तरह के गले कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, और साथ में आपका एक फ़ायदा और होने वाला है कि पहले हम गला एक कागज़ के टुकड़े पर कटिंग करना सीखेंगे। जब आप अच्छे से सीख जाएँ फिर आप बुकरम पर कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये देखो इस तरह का कागज़ का एक रोल लिया है। आप अपनी जो आपकी जो कॉपी वगैरह या आपके घर में कोई न्यूज़पेपर हो, किसी भी तरह का हो, या फिर ये जो ब्याह शादी के कार्ड होते हैं वो हो, तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कागज़ हो आप उस पर भी कटिंग करके देख सकते हैं। तो मैंने एक ये रोल लिया है इस तरह का खाकी कलर का, तो मैं इस पर ही कटिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ। जब आप अच्छे से सीख जाएँ तो फिर आप बुकरम पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस तरीके का एक चकोर सा पीस ले लेना है। तो आपको ऐसे नापना है यहाँ से, जैसे मैंने ये लिया है ये 8.5 इंच, और इसको अब मैंने इसको डबल कर दिया इस तरीके से। तो जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली साइड है वो इस तरफ है। आपको इस तरीके से रख लेना है, और रखने के बाद यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेना है इस तरीके से। और जो भी साइज आपको गले का बनाना है, पहले तो मैं आपको समझा दे रही हूँ गला कितने साइज का होता है। देखो गला जो नॉर्मली होता है वो होता है 6.5 इंच और 7 इंच, ये दो साइज बिल्कुल नॉर्मली मीडियम चलते रहते हैं। अगर आप कोई ज़्यादा बड़ा गला पहनती हैं तो वो आगे का जो गला होता है बस ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 इंच, और बैक गले का जो है पैटर्न मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी, आज नहीं सिखाऊंगी। आज सिर्फ मैं फ्रंट के गले की जो वीडियो है वही बना रही हूँ। तो आपको 5 इंच 6 इंच 6.5 इंच और 7 इंच, अगर वो कोई ज़्यादा हेल्थी लेडीज़ है तो उसके लिए आप 7.5 इंच गला बना सकते हैं। तो ये 3-4 साइज हैं बस गलों के जो मीडियम साइज़ है, या फिर आप किसी भी कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, किस कुर्ती में आप गला लगा रहे हैं तो आप उसको भी नाप सकते हैं। जैसे उसको नापोगे उसी के अकॉर्डिंग आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल और मीडियम साइज़ बता रही हूँ। तो जैसे हमने ये इस तरह की, समझ लीजिए कि हमने बुकरम लिया और उसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है, और जैसे मैं इसमें कटिंग करूँगी 7 इंच की, तो इस तरीके से हमें लेंथ की 7 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ से इसको सीधा ऐसे एक निशान सीधा बिल्कुल इस तरीके से लगाना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच लगाना है, जो बिल्कुल मीडियम है वो हम यहाँ से 2.5 इंच लेते हैं इस तरीके से, और 2.5 इंच हमें यहाँ से लेना है, और ये निशान और ये निशान आपस में ऐसे मिलाने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि जैसे गला हम कटिंग कर लेते हैं और फिर हम उसे कपड़े पे लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारा कई बार हमसे संभलता नहीं, वो इधर उधर फैल जाता है और चौड़ा ऊपर की साइड से जो है उसकी कंधी जो है थोड़ी चौड़ी हो जाती है। तो इसका मैं बिल्कुल अलग ही आपको आज बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। एक यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाना ऊपर की साइड इस तरीके से, ठीक है। एक निशान ये लगा लिया ऊपर की साइड, और यहाँ से कोने में से एक इस तरीके से तकरीबन आपको ये यहाँ से रखना है, 1.5 इंच का एक निशान यहाँ से लगाना है कोने में से इस तरीके से, और जो गोलाई देनी है, गोलाई देनी है आपको यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच से, 2.5 इंच आपको इस तरीके से गोलाई में, ठीक है। इससे आपका क्या फायदा होगा कि आपकी बुकरम खराब नहीं होगी, और आप कब जो आपके पास कागज का कोई भी पीस है किसी भी तरह का, आप उस पर भी कटिंग सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें गोलाई में निशान लगा लेंगे, और फिर यहां से 1-1 इंच पे और निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे,
अब आपको जो है यहां से कटिंग शुरू करनी है। और यहां पे जहां पे ये निशान है यहां पे इस तरीके से रोकना है, और रोकने के बाद यहां से इसको इस तरीके से अंदर अंदर का पीस निकाल देना है इस तरीके से, ठीक है। और जो ये बाहर से है, बाहर से भी इसको इस तरीके से ही कटिंग करना है। तो ये इस तरीके से हमारा गोल गले का पैटर्न कट जाएगा। तो इसमें अब आप देखो अच्छे से देख सकते हैं, देखो ये इस तरीके से हमारा पैटर्न कट के तैयार हो जाएगा। तो इसका क्या फायदा होगा कि जब हम इसे सूट के ऊपर लगाएंगे कपड़े पे, तो ये जो है हमारा यहाँ से फैलेगा नहीं ना, आपको इसको ज्यादा संभालने की जरूरत है। बस सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से इस तरीके से सिलाई शुरू करेंगे तो ये जो पट्टी है ये फिर इसकी जो है पट्टी हमारी ये कट के निकल जाएगी। जब हम कपड़े पे इसको जॉइंट करेंगे तो ये हमारी कपड़े पे जॉइंट हो जाएगी, और यहाँ से हम अंदर से कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरीके से, तो ये वाली पट्टी हमारी कट के निकल जाएगी और ये हमारा गला बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इसमें ये जैसा हमने ये अंदर का 2.5 इंच लिया था ना, तो अब ये बिल्कुल 5 बिल्कुल तैयार है। और ये इधर से ये 7.5 बिल्कुल तैयार है, तो ये कहीं भी भागेगा नहीं और फैलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप गोल गले की कटिंग कर सकते हैं। और इससे क्या फायदा होगा कि आपकी बुकरम भी खराब नहीं होगी। आप फटाफट से कोई भी कागज उठाइए और आप आज से ही इस पर कटिंग करनी शुरू कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक आप अच्छे से गला कटिंग ना कर सके, जब तक आप इस पर ही जो है ट्राई करते रहिए।